तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर आपने ये पीडीएफ लेनी है जिसमें पूरा साइंस का कोर्स कंप्लीट है और बिल्कुल अलग तरीके से है ये, एग्जाम में आप 95% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको इसमें से मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल है, इतना है कि ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करवाया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाया। और हर तरह के स्टेट लेवल के एग्जाम आपके ये कवर करेगा, आपके सीजीएल के सारे एग्जाम ये कवर करेगा, इवन यूपीएससी के भी आप इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हो, इतनी बेस्ट तरीके से मैंने ये करवाया है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जो है बुक भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए एटम परमाणु पदार्थ की जो स्ट्रक्चर यूनिट है, ये एटम जो है वो पदार्थ की बिल्कुल स्ट्रक्चर यूनिट है। जिस तरीके से पॉलीमर होता है उसका जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है मोनोमर होती है, इस तरीके से आपकी परमाणु एटम क्या है, एक पदार्थ की स्ट्रक्चर यूनिट है, मतलब एटम से मिलकर बना हुआ है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। एटम किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि जो अभिक्रिया में भाग ले सकती है उसको परमाणु कहते हैं। जैसे H+H, ये दोनों एटम हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनाते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए एटम, एटोमिज्म इन इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की जो की गई है, जिसमें वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा आकाश को द्रव्य का मूल तत्व फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो माना गया है। इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ने सृष्टि के मूल में चार प्रकार के तत्वों वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी को स्वीकार किया। महर्षि कणाद के मतानुसार यदि किसी द्रव्य पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंततः वह सूक्ष्मतर कण प्राप्त होगा जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा, असंभव है। मतलब वो महर्षि कणाद ने उस अविभाजित सूक्ष्म कण को एटम कहा है, परम अणु कहा है। उसके बाद देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन जॉन डाल्टन पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अन्य केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य रासायनिक गुणों केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। परमाणु अविभाज्य तथा इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, अर्थात परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता और न ही नष्ट। परमाणु की संरचना, 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य फंडामेंटल एंड इंडिविजिबल कण माना जाता था, परंतु जे थॉमसन, आंस्टन रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम की जो संकल्पना थी उसको गलत कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई, अलग अलग मॉडल आए। ठीक है, उन्होंने परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया तथा परमाणु के आंतरिक भाग में जो अन्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी उपस्थिति सिद्ध की कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूमते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसका खोजकर्ता पूछा जाता है, कब की थी डिस्कवरी, इसका द्रव्यमान कितना और इसका चार्ज कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने 1897 में किया था। द्रव्यमान कितना, मास कितना है, 9.1×10⁻³ किलोग्राम। आवेश कौन सा है, नेगेटिव। प्रोटोन गोल्ड स्टीन 1886 1.67×10⁻27 किलोग्राम और आवेश होता है इस पर पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चैडविक ने 1932 में किया। 1.67×10⁻27 इसका वेट होता है। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना, 1.6748। तो इसका जो भार होता है न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोला है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है और जो नेगेटिवली चार्ज युक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस गोले में बिखरा होता है। जिस तरीके से आपका त्रिभुज होता है उसमें जो उसके बीज होते हैं उस तरीके से का मॉडल इन्होंने एक्सप्लेन किया था। स्ट्रक्चर थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु को तरबूज के समान माना गया, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत वाटरमैन थ्योरी कहा गया। इसके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं, इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसमें कुछ कमियां निकाली गई। इसमें न्यूक्लियस का कोई उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने में बिल्कुल असमर्थ रहा। एंड जो तीसरा है, थॉमसन कुड नॉट इवन एक्सप्लेन इन हिज एटॉमिक मॉडल हाउ द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम कीप्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विद इन इटसेल्फ। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, 1911 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित एक
निर्मित अत्यंत पतली परत गोल्ड फर पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हुए बिना ही सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसलिए यह निष्कर्ष किया गया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। दूसरा, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, तो ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में पॉजिटिव चार्ज भाग बहुत कम है। ठीक है, बौछार किस चीज़ की गई, अल्फ़ा पार्टिकल्स की गई, बहुत कम अल्फ़ा कण जो है वो मध्य भाग से टकराकर वापस आ गए। तो ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान मास जो होता है वो उसके सेंटर में ही निहित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की बीम को बॉम्बार्ड किया गया। कुछ तो बिल्कुल सीधा निकल गए, कुछ क्या है डिफ्लेक्ट बैक हुए, और कुछ बिल्कुल, कुछ थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बिल्कुल वापस आ गए। उसके बाद आता है आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अन्य कुछ बिंदु क्या थे। देखिए, परमाणु का संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान इस केंद्र में निहित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में सर्कुलर ऑर्बिट्स में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सोलर सिस्टम से की है, जिसमें नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। आगे देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के अनुसार जो ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई अवशोषित कण, ठीक है, विकर्ण का उत्सर्जन एमिशन ऑफ रेडिएशन करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, आपके रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के वो चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहे हैं और साथ में एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। चक्रण करता हुआ कोई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं ना कि कोई अगर बॉडी मूव करती है तो वो एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लूज करेगी, जिससे उसकी एनर्जी में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के कारण वह न्यूक्लियस नाभिक के पास आ जाएगा और नाभिक में एक टाइम पे वो गिर जाएगा बिल्कुल एनर्जी जब उसकी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, बट एक्चुअल में एटम स्टेबल है। इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। उसके बाद आया बोर एटॉमिक मॉडल। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल था, इसमें ये अलग अलग यहाँ पे शेल बना दिए गए, के एल शेल, और इलेक्ट्रॉन इन शेल में घूमते हैं। सो 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसको क्वांटम सिद्धांत पर ही आधारित था। क्वांटम, ठीक है, थ्योरी पर ये आधारित था। तो क्वांटम सिद्धांत क्या है, ऊर्जा विकर्ण अथवा ऊर्जा का जो उत्सर्जन है अथवा अब्सॉर्प्शन है निरंतर न होकर बल्कि अनिश्चित अनसर्टेन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो मतलब एकदम से कोई भी जो एमिशन है एनर्जी का वो एकदम से नहीं होता, अब्सॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि छोटे छोटे बंडल्स में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। उसके बाद देखिए बोर एटॉमिक मॉडल। बोर का जो परमाणु मॉडल है, नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर केवल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही, निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित उनके पास एनर्जी होगी, उनका निश्चित एक एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होगा और नाभिक के से उसकी ऊर्जा के अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही वो चक्रण करते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस पे ही वो एक ऑर्बिटल में जिसकी एक फिक्स एनर्जी है वहाँ पे घूमते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। और इन्होंने क्या करा, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः के एल एम एन से प्रदर्शित किया या 1 2 3 से प्रदर्शित किया। प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक ऑर्बिट तथा अथवा शेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इनकी एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बोर एटॉमिक मॉडल है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चला जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से वो उच्च कक्षा में जाता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो बाह्य स्रोत से एनर्जी ग्रहण करता है। मतलब जब आप उसको एनर्जी देते हो तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वहाँ पे एनर्जी का वो रेडिएशन करता है, अर्थात उसकी एनर्जी में कमी आती है। तो ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n2 के अनुसार बढ़ती है। पहली कक्षा में 2n2, 2 × 1² 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 × 2² 8, तीसरी में n की वैल्यू 3 रखनी है, सो 2 × 3² 18, इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके मेन जो है वो डिस्कवरी पढ़नी है इनके बारे में। तो क्या है प्रोटॉन, 1886 में किसने की ये इसकी खोज, ई गोल्डस्टीन ने। क्या किया था, कैनाल और एनोड रेस की खोज की और बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निर्मित है। वर्ष 1919 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को क्या नाम दिया,
प्रोटॉन का नाम दिया। इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, जबकि परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई। इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश फिजिस्ट जे जे थॉमसन ईयर 1897 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द कैथोड रे ट्यूब। थॉमसन कंक्लूडेड दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड थॉमसन कॉल्ड दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोर्पसल्स विच वर लेटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बाय द साइंटिस्ट। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जो 1932 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। इन द ईयर 1932 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1935 फॉर हिज अचीवमेंट। न्यूट्रॉन कंबाइन विद प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ संयोजित होते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन होते हैं सभी एटम के न्यूक्लियाई में। द न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज इट हैज नो चार्ज, इट हैज जीरो चार्ज, बट इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। सो जो परमाणु की त्रिज्या है उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में मापते हैं। एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10^-10। नाभिक की त्रिज्या को फरमाई एफ में मापते हैं। उसके बाद देखिए नाभिक की जो त्रिज्या है फरमाई कितना होता है 10^-15 हो गया। परमाणु त्रिज्या जो परमाणु एटम का जो रेडियस होता है वो नाभिक के रेडियस से कितना ज़्यादा होता है, 100,000 गुना अधिक होता है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू साथ में कर लेते हैं। परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी, ये ग्रुप डी 2022 में आया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी 1897 में। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो परमाणु जो होते हैं वो धनात्मक अवशेषित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। थॉमसन ने कहा था बिल्कुल, ये जैसे तरबूज होता है उसके अंदर जो रेड पार्ट है वो सारे क्या है आपके प्रोटॉन है, और जो आपके बीज होते हैं उसके वो इलेक्ट्रॉन के समान है। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो ये दोनों आपके सही हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रयोग से पता चला कि परमाणुओं में क्या होता है, नाभिक होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते, करेक्ट है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है उसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है और ये ठीक है, और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है 10^-10 मीटर। बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के लेक्चर हम फिर प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।